Hey guys, good morning and welcome to Flywheels. I am Ravi और आज हम बात करेंगे इंजन ऑयल्स की जो हम अपने बाइक में यूज़ करते हैं। मैं आज आपको बताऊंगा कौन सा इंजन ऑयल आपको यूज़ करना चाहिए। फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू योर इंजन स्पेसिफिकेशंस। सेकंड, अकॉर्डिंग टू द वेदर कंडीशन वेयर यू लिव। एंड द थर्ड, योर डे टू डे रनिंग। तो आज हम लोग सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे इसके बारे में, कैसा इंजन ऑयल आपको यूज़ करना चाहिए। इनके हिसाब से मैं सारी चीज़ें बताऊंगा आपको, तो स्किप मत करना, वीडियो पूरी देखना। मिलते हैं आपसे और भी सारे इन्फॉर्मेशन के साथ इस शॉर्ट इंट्रो के बाद। तो चलिए जानते हैं इंजन ऑयल्स के बारे में। तो बेसिकली तीन टाइप का इंजन ऑयल है जो आपको नॉर्मली मार्केट में मिलेगा। पहला है मिनरल ऑयल, दूसरा है सेमी सिंथेटिक ऑयल, तीसरा है सिंथेटिक ऑयल। अब जानते हैं कि इसमें अंतर क्या होता है इन ऑयल्स में। तो पहला, ड्रेनेज पीरियड को ले लेते हैं। तो मिनरल ऑयल का जो ड्रेनेज पीरियड होता है वो 2500 टू मैक्सिमम 3000 किलोमीटर। अगर आप मिनरल ऑयल यूज़ करते हो तो आपकी गाड़ी 2500 से 3000 किलोमीटर जब भी चल जाए उसको आप चेंज कर दो। दूसरा, सेमी सिंथेटिक, इसका ड्रेनेज पीरियड होता है 4000 टू 5000 किलोमीटर्स आप यूज़ कर सकते हो। उसको ऑयल बहुत अच्छा चलता है बट मैक्सिमम लिमिट है 5000, उसके बाद आपको इसको चेंज करना ही पड़ेगा। थर्ड, फुली सिंथेटिक ऑयल। फुली सिंथेटिक ऑयल का ड्रेनेज पीरियड ज़्यादा होता है, 7000 से 8000 आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, गाड़ी आपकी अच्छी चलेगी। तो अब हम बात करते हैं इन जो ऑयल्स हैं, मिनरल ऑयल, सेमी सिंथेटिक ऑयल और सिंथेटिक ऑयल, इनके बेसिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में, अंतर क्या है। तो जो मिनरल ऑयल होता है वो लेस फ्रिक्शन वाला होता है, वही जो सिंथेटिक ऑयल्स होते हैं उनमें हाई फ्रिक्शन रेजिस्टेंट कैपेसिटी होती है। मिनरल ऑयल्स में एंटी फ्रिक्शन कंपोनेंट और थर्मल स्टेबिलिटी जो होता है वो सिंथेटिक ऑयल से कम होती है। वही सिंथेटिक ऑयल्स की शेयर स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, जिसके कारण आपको इंजन का परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा मिलता है, गाड़ी आपकी ज़्यादा अच्छी चलती है उसमें। चलिए अब हम बात करते हैं इंजन ऑयल के ग्रेड्स के बारे में। क्या होता है ये ग्रेड्स, इसके बारे में हम जानते हैं। ये सारे ग्रेड्स हैं जो आपको मिल जाएंगे, नॉर्मली यही अवेलेबल है मार्केट में, इन्हीं ग्रेड्स का ऑयल आपको मिलेगा मार्केट में। और इंजन ऑयल का जो ग्रेड्स डिसाइड किया जाता है दैट इज़ प्योरली बेस्ड ऑन इंजन बियरिंग क्लियरेंस एंड अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड इन द कंबशन। अगर आप कन्फ्यूज हैं कि कौन सा ऑयल आपको यूज़ करना चाहिए, इतने सारे ग्रेड्स देख लिए आपने, इतने टाइप का ऑयल देख लिया, तो बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी आपको, सिर्फ आपके बाइक का यूज़र मैनुअल देखना है। यूज़र मैनुअल में आपको आपकी बाइक का सुटेबल ग्रेड मिल जाएगा कि किस ग्रेड का ऑयल हमें अपनी बाइक में डालना चाहिए, बेस्ड ऑन आपके प्रेफरेंस में कि आपको सेमी सिंथेटिक डालना है, मिनरल डालना है या फुली सिंथेटिक ऑयल यूज़ करना है। आपकी बाइक का परफेक्ट ग्रेड आपको उसी मैनुअल में मिल जाएगा। और आपको जो कुछ और बातें हैं जो ध्यान में रखनी है इंजन ऑयल को सेलेक्ट करने से पहले, कि अगर आपका बाइक लो टॉर्क की इंजन है, मैंने बाइक के इंजन स्पेसिफिकेशन को दो भाग में डिवाइड किया है। पहला, लो रेविंग टॉर्क की इंजन मींस लेस देन 160 सीसी इंजन एंड हाई टॉर्क की इंजन, हाई टॉर्क की रिवॉल्विंग इंजन दैट इज मोर देन 160 सीसी इंजन। तो 160 सीसी के नीचे का कोई भी इंजन है प्लीज़ उसमें फुली सिंथेटिक ऑयल यूज़ ना करें। रीज़न क्या है कि फुली सिंथेटिक ऑयल का एक्स्ट्रा स्मूथनेस जो होता है वो आपकी बाइक का जो पंची एक्सेलरेशन है उसको कम कर सकता है, यही रीज़न है, प्लीज़ इसको यूज़ ना करें। और अगर आपके पास 160 प्लस इंजन है, हाई रेविंग टॉर्क की इंजन है, तो आप उसमें मिनरल ऑयल और सेमी सिंथेटिक ऑयल को अवॉइड कीजिए। अगर आप सेमी सिंथेटिक या मिनरल ऑयल यूज़ करते हैं हाई टॉर्क की इंजन्स में, हाई रेविंग टॉर्क की इंजन्स में, तो आपकी गाड़ी का गर्म होने का चांसेस ज़्यादा है और आपकी गाड़ी ख़राब हो सकती है, आपका इंजन ख़राब हो सकता है, आपका इंजन जल्दी गर्म हो जाएगा उससे। तो इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। अब आते हैं इन्वायरमेंटल कंडीशंस के ऊपर, कि अगर आप ऐसी जगह पर रहते हो जो ज़्यादा गर्म है और आपका यूज़र मैनुअल में रिकमेंडेड जो ग्रेड है वो दिया हुआ है 10W30 और 10W40, तो आप 15W50 पे भी जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, गाड़ी आपकी अच्छी चलेगी। और वही अगर आप किसी ठंडे जगह पे रहते हो और अगर आपके गाड़ी का
सेम ऐसा ही स्पेसिफिकेशन दिया 10W30 और 10W40। 5W30 पे भी शिफ्ट कर सकते हैं, 5W40 पे भी शिफ्ट कर सकते हैं। आपका अगर उसमें दिया हुआ है मैनुअल में 15W40 का, 15W50 का, तो आप उसकी जगह पे आप 10W30 भी यूज़ कर सकते हैं। गाड़ी अच्छी चलेगी आपको, आपको परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा मिलेगा उससे, आपको कोल्ड स्टार्ट करने की जरूरत नहीं, कोल्ड स्टार्ट में इनफैक्ट आपको मदद मिलेगी, गाड़ी आपकी अच्छी स्मूथ चलेगी डिफरेंट टाइप ऑफ वेदर कंडीशंस में भी। लास्टली गाइस कुछ टिप्स देना चाहूँगा आपको कि जब भी आप इंजन ऑयल डिसाइड करें कि कौन सा इंजन ऑयल डालना है, तो प्लीज़ आप उसके सर्टिफिकेशन पे जरूर ध्यान दें। यहाँ आपको दिख रहा होगा एक सैम्पल सर्टिफिकेशन मैंने दिया है, इस टाइप का एक सर्टिफिकेशन रहता है हर एक इंजन ऑयल में, और आपके बाइक के लिए कौन सा परफेक्ट फिट है ये आपके बाइक के यूज़र मैनुअल से आपको रेफरेंस मिल जाएगा, तो आप यूज़र मैनुअल से रेफरेंस ले सकते हैं उसका। एंड दूसरा जो टिप है, ये मेरा पर्सनल सजेशन है आपको, मैंने बहुत दिन तक 150cc की बाइक को यूज़ किया, तो ये मैं पर्सनल सजेशन दे रहा हूँ कि 160cc की कम जो भी बाइक्स हैं आप 10W30 ऑल यूज़ करो, मस्त चलेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये कुछ टिप्स थी मेरे तरफ से। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइज, नथिंग मच टू से। जो भी मेरा एक्सपीरियंस था, मैंने जितना भी अपना रिसर्च किया इसके ऊपर, तो मैं यही बेस्ट था जो मैं कि आपके लिए निकाल के ला पाया। सो अगर कुछ अच्छा लगा हो वीडियो में तो प्लीज़ लाइक करना वीडियो को, कुछ अगर आपको सजेशन करना हो तो आप कमेंट कर सकते हो, प्लीज़ सब्सक्राइब करना अपने दोस्तों के साथ, अपने राइडर फ्रेंड्स के साथ। सो टिल देन, राइड सेफ, राइड रिस्पॉन्सिबली, एंड प्लीज़ राइड स्लो। मिलते हैं अगले ब्लॉग।